बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साइंस नॉलेज। दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से हों। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ पेज नंबर 8, यूनिट नंबर 2, लेवल 2, न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस। इससे पहले कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में स्टार्ट करें, कुछ पढ़ें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन को क्लिक करें, और अगर कुछ भी सीखने को मिलता है तो लाइक भी करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। स्टूडेंट्स, एक और बात आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। वीडियो को एंड तक देखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि हर वर्ड हर लाइन का अलहदा मीनिंग है, कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड सेफ्टी, सेहत और हिफाजत। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं पहले से हमें क्या पता है। वी ऑल नीड फूड टू लिव, हमें ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। फूड गिव अस एनर्जी, खुराक हमें तवनाई देती है। एंड कीप्स अस हेल्दी, और हमें सेहतमंद रखती है। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, मुख्तलिफ किस्म की खुराक पाई जाती है। द बॉडी रिक्वायर्स, रिक्वायर्स का मतलब होता है ज़रूरत होती है। फ्रेश फूड, द बॉडी रिक्वायर्स फ्रेश फूड, जिस्म को ताज़ा खुराक की ज़रूरत होती है। एक्सरसाइज, वर्जिश करने की ज़रूरत होती है। एंड रेस्ट, और आराम की ज़रूरत होती है। कीप योर बॉडी क्लीन, अपने जिस्म को साफ रखिए। मैनी थिंग्स कैन बी डेंजरस, बहुत सारी चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं। लाउड नॉइजेज कैन डैमेज योर ईयर्स, ऊंची आवाज़ें आपके कानों को तबाह कर सकती हैं या ख़राब कर सकती हैं। ओके, ये था रिकॉल। अब हम पढ़ेंगे यू विल लर्न दैट इन दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट योर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन, आपका जिस्म एक मशीन की तरह है। यू हैव टू लुक आफ्टर इट प्रॉपरली, आपको इसको सही से देखभाल करना ज़रूरी है, मुनासिब तरीके से इसकी देखभाल करनी ज़रूरी है। इट नीड्स क्लीन वाटर, इसको प्रॉपर डाइट की जो ज़रूरत होती है, मशीन की तरह आपकी बॉडी है, इसको प्रॉपर देखभाल करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इट नीड्स क्लीन वाटर, उसको साफ़ पानी की ज़रूरत होती है। एंड एयर, और हवा। फ्रेश फूड, ताज़ा खुराक। रेस्ट, आराम। एंड एक्सरसाइज, और वर्जिश। किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? क्लीन वाटर, साफ़ पानी, एयर, हवा, फ्रेश फूड, ताज़ा खुराक, रेस्ट, आराम, एंड एक्सरसाइज, और वर्जिश। देयर आर रूल्स टू कीप अस सेफ एट होम एंड आउटडोर्स, कुछ कवानीन हैं जो हमें महफूज रखते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, एट होम घर में भी, एंड आउटडोर्स और घर से बाहर भी। बहुत सारे कवानीन बनाए गए हैं घरों में भी चीज़ों से महफूज रखने के लिए, छोटे बच्चों को, बड़ों को, और घर से बाहर भी मुख्तलिफ चीज़ों की ख़तरे से अपने आप को महफूज रखने के लिए बहुत से कवानीन बनाए गए हैं, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके जी, चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द बॉडी मशीन, इंसानी जिस्म एक मशीन। योर बॉडी इज़ लाइक एन अमेजिंग मशीन, आपका जिस्म जो है वो एक दिलचस्प, अमेजिंग का मतलब होता है दिलचस्प, मशीन की तरह है, लाइक तरह है। इट डज डिफरेंट जॉब्स, ये मुख्तलिफ किस्म के काम सर अंजाम देता है। जैसे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि कोई भी मशीन किस तरीके से काम करती है, इसी तरह हमारी बॉडी भी काम करती है, जिसको मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है। अ कार इज़ अ मशीन, कार एक मशीन की तरह है, कार एक मशीन है। एंड नीड्स, और उसको ज़रूरत पड़ती है, टू बी लुक्ड आफ्टर, कि उसकी देखभाल की जाए, सो डैट इट कैन रन, ताकि वो सही से चल सके। अब उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कार को, कार को पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। अ कार आल्सो नीड्स पेट्रोल, कार को चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। अ कार नीड्स क्लीनिंग, अगर कार की सही से सफाई नहीं होगी ऊपर से भी और नीचे से भी, तो उसकी बॉडी ख़राब हो जाएगी, इसलिए उसको क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। अ कार नीड्स इंजन ऑयल, कार को चलने के लिए इंजन ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। जब इंजन में ऑयल डलेगा तो इंजन वर्क करेगा और कार आगे चल पाएगी।
इसी तरीके से टायर्स भी उसको आगे चलने के लिए, मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। जबकि कार में अगर कार के टायर में अगर हवा नहीं होगी तो कार बैठ जाएगी, आपकी कार मूव नहीं करेगी। अगर इंजन ठीक भी होगा तो भी आपकी कार मूव नहीं कर सकेगी ज़्यादा, जब तक आप उसमें हवा नहीं भरवाएंगे या पंक्चर नहीं लगवाएंगे। इसी तरीके से मतलब उन्होंने बताया कि हर चीज़ को किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हर मशीन को, ऑयल की, उसकी सफाई सुथराई की, पेट्रोल की और एयर की, यानी हवा की ज़रूरत पड़ती है। ओके, योर बॉडी इज़ ऑल्सो अ मशीन। अब हमारा जिस्म भी एक मशीन की तरह है, डेट नीड्स टू बी लुक्ड आफ्टर, जिसको ज़रूरत पड़ती है कि उसका ख्याल रखा जाए, देखभाल की जाए, सही से देखभाल की जाए। टर्न टू पेज 9। योर मसल्स नीड फूड। आपके जो पट्ठे हैं, आपकी जो बॉडी में गोश्त है, उसको खुराक की ज़रूरत होती है, एंड एक्सरसाइज और वर्जिश की ज़रूरत होती है टू वर्क, ताकि वो काम कर सके, चल सके। दे विल गेट स्ट्रॉन्ग, वो मजबूत होते हैं, इफ़ यू ईट हेल्दी फूड, अगर आप सेहतमंद गज़ा खाते हैं। Do not eat too much junk food. हमें ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। How you can look after your body? वो ये बता रहे हैं, कुछ रूल्स हैं जो बता रहे हैं कि आपको अपनी बॉडी को लुक आफ्टर कैसे करना है, यानी आपकी जिस्म की देखभाल कैसे होगी। There are many ways to look after your body. बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अपनी जिस्म को जो है वो देखभाल कर सकते हैं। कीप योर बॉडी क्लीन, अपने जिस्म को साफ रखिए। उन्होंने साफ रखने के लिए कुछ आपको नीचे पिक्चर्स दिए हैं, जैसे अपने बालों को सही से कंघा कीजिए, हाथों को धोइए, दांत ब्रश कीजिए। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको डेली करने होते हैं। योर बॉडी नीड्स एक्सरसाइज, आपकी बॉडी को, आपके जिस्म को वर्जिश की ज़रूरत पड़ती है। वर्जिश का मतलब है कि आप किसी किस्म के भी खेल खेलें, किसी भी किस्म की एक्सरसाइज जो है, यानी अपनी बॉडी को मूवमेंट में लाना एक्सरसाइज कहलाता है। ओके, चाहे वो साइकिलिंग है, चाहे फुटबॉल खेलना है, चाहे क्रिकेट खेलना है, चाहे प्रॉपरली आपको योगा करना है, कोई एक्सरसाइज करनी है, ये सब आपकी बॉडी को हेल्प करते हैं हेल्दी रहने के लिए। दिस विल कीप ऑल योर बॉडी पार्ट्स वर्किंग प्रॉपरली। अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, वर्जिश करते रहेंगे, तो आपकी बॉडी जो है वो मुनासिब तरीके से वर्क करेगी, यानी आपके जिस्म में दर्द नहीं होना शुरू हो जाएगा, आप सुस्त नहीं होंगे, हर काम को अच्छे से कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 10। ईट हेल्दी फूड दैट गिव्स यू द एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। ईट हेल्दी फूड, हमें सेहतमंद ग़िज़ा खानी चाहिए, डैट गिव्स यू द एनर्जी, जो आपको तवानाई दे टू वर्क, काम करने के लिए, एंड प्ले, और खेलने के लिए। कुछ भी करना हो आपने, उसके लिए आपको तवानाई की ज़रूरत पड़ती है, काम करना हो चाहे खेलना हो। तो जब तक आप सेहतमंद ग़िज़ा नहीं खाएंगे, अच्छी खुराक नहीं खाएंगे, तो आप कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। योर बॉडी नीड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, आपके जिस्म को मुख्तलिफ किस्म की खुराकों की ज़रूरत पड़ती है। द फूड यू ईट, जो खुराक आप खाते हैं, शुड इंक्लूड्स एग्स। आप जो खुराक खाते हैं उसमें ज़रूरी चीज़ें कौन सी होनी चाहिए? अंडे, एग्स, अंडे, मीट, गोश्त, मिल्क, दूध, राइस, चावल और ब्रेड और या रोटी, फ्रूट, फल एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां। ठीक है, फल, सब्जियां, ब्रेड, ब्रेड में रोटी भी आ जाती है, और ब्रेड में जो आप लोग ब्रेड नॉर्मल खाते हैं वो भी आ जाती है, राइस, चावल, मीट, गोश्त, मिल्क, दूध, एग्स, अंडे, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आपकी जिस्म को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आप स्किप कर देते हैं, यानी आप खाना बंद कर देते हैं, तो आपकी जो बॉडी है वो सही से खुराक नहीं ले पाती, हेल्दी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आप लोग लेजी हो सकते हैं। ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ क्लीन वाटर अ डे। कम अज कम आपको 6 से 8 गिलास साफ पानी के रोज पीने चाहिए। 6 से 8 गिलास, 6 to 8 ग्लासेस ऑफ क्लीन वाटर अ डे, एक दिन में 6 से 8 ग्लास पानी आपको पीना चाहिए। गेट प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर,
ताज़ा हवा ज़रूर लेनी चाहिए। ये नहीं कि आप लोग अगर घर में बैठे हैं तो रेगुलर घर में ही बैठे रहें, नहीं बाहर निकलें, अपनी छत पे जाएं, नहीं तो बाहर जो प्लेग्राउंड हैं उनमें वॉक करें, ताकि आपकी बॉडी को जितनी फ्रेश एयर की ज़रूरत है एटलीस्ट उतनी आप लोग गेन कर सकें। ओके, मेक श्योर यू गेट लॉट्स ऑफ रेस्ट। आप इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, जितने आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपको सोने की ज़रूरत है, आप उतना अपने आप को रेस्ट दें। अगर आप उतना नहीं सोएंगे या बॉडी को उतना रेस्ट नहीं देंगे, कम से कम 6 से 8 घंटे अगर आप नहीं सोते, तो आपकी बॉडी जो है वो और ज़्यादा सुस्त हो जाएगी, आपका माइंड जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। ओके, डिस्कस एन आंसर, मेक अ लिस्ट ऑफ फूड यू लाइक टू ईट। आपने क्या करना है कि एक लिस्ट बनानी है उन खानों की जो आप खाना पसंद करते हैं। कंपेयर योर लिस्ट विद योर क्लासमेट्स लिस्ट। अब आपकी जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप उनके साथ ये लिस्ट मैच करें। विच फूड्स आर हेल्दी, इनमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सेहतमंद हैं, यानी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, एंड विच आर जंक फूड्स, और इसमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा तली हुई हैं और आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं। ओके, कंसेप्ट चेक पे आ जाते हैं। फिल इन द मिसिंग वर्ड्स, हमने मिसिंग वर्ड्स को फिल करना है, यानी इसमें जो खाली जगह हैं उनको हमने फिल करना है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज़ बीन गिवन टू यू, हर वर्ड का पहला लेटर आपको लिखा हुआ मिलेगा। जैसे टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए, एंड हेल्दी, और सेहतमंद रहने के लिए, योर बॉडी नीड्स, आपका जिस्म को ज़रूरत पड़ती है प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। प्लेंटी बहुत ज़्यादा, कसरत से, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको ताज़ा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, प्लेंटी ऑफ फ्रेश, यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये देखिए प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ए लिखा हुआ है पहले से, आई आर हमने लिखना है, ए आई आर, एयर हवा। क्लीन वाटर, डब्ल्यू लिखा हुआ है, डब्ल्यू फॉर वाटर, क्लीन वाटर, साफ पानी, ए टी ई आर लिखेंगे हम इसमें, क्लीन वाटर, साफ पानी। एंड और हेल्दी, सेहतमंद फूड, गिज़ा। योर बॉडी ऑल्सो नीड्स रेस्ट, आर ई एस टी, रेस्ट, आराम की ज़रूरत होती है, एंड एक्सरसाइज, और वर्जिश की ज़रूरत पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।